60 to 70% जनता का स्कोर कैट के कौन सेक्शन में नहीं आता, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू प्रिपेयर स्मार्टली कौन सेक्शन. सो इफ यू वॉन्ट टू क्रैक कैट एग्जामिनेशन कॉन्ट का सेक्शन अगर आपका वीक है, तो वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली एंड शेयर दिस टू ऑल योर फ्रेंड सो दैट दे शुड ऑल्सो बी बेनिफिटेड. Alright guys, so before I start, Manuver MBA Entrance, there is a separate channel with regards to the MBA Entrance Examination. ठीक है, अगर आप ये वीडियो Manuver MBA Entrance पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप ये वीडियो Manuver Education चैनल पे देख रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, kindly subscribe the channel. So सबसे पहले सेक्शन समझते हैं और उसमें उसका वेटेज भी देखते हैं, कितने क्वेश्चन वहाँ से आते हैं. सो ओवरऑल जो क्वांट का सेक्शन है कैट का, उसमें डोमिनेटिंग एरिया है अरिथमेटिक. यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आने वाले हैं आपके. अरिथमेटिक में परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस रेशो, पार्टनरशिप, एजेस, एवरेज, मिक्सर एलिगेशन, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये आपका अरिथमेटिक हो गया. ठीक है, सो 9 to 10 क्वेश्चन रफली यहाँ से एग्जाम में आएंगे, मतलब इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है. फॉलोड बाई अल्जेब्रा 5 to 6 क्वेश्चन, ज्योमेट्री मेंसुरेशन रफली 3 क्वेश्चन के आसपास, नंबर सिस्टम 2 to 3 क्वेश्चन, मॉडर्न मैथ्स 1 to 2 क्वेश्चन के आसपास. तो मॉडर्न मैथ्स से 1 क्वेश्चन आप पकड़ सकते हो. ठीक है, ये आपके कौन सेक्शन का कंप्लीट ब्रेकअप है. अब क्वेश्चन आता है कि आप प्रिपेयर कैसे करोगे, नंबर 1, नंबर 2 परसेंटाइल कितने क्वेश्चन राइट करने पे जंप करेगा. ठीक है, आइडियली कैट के अंदर 80% तो भाई कट ऑफ है ना, हर सेक्शन में हर कॉलेज को लेके वेरी करेगा, 80 to 85 के आसपास का. ठीक है, तो ओवरऑल 22 क्वेश्चन इस एरिया से आएंगे. अगर आपने क्वेश्चन राइट किया, ये आपका क्वेश्चन राइट और ये आपका है परसेंटाइल, 5 to 6 क्वेश्चन करेक्ट करके अगर आप आ गए, आपका परसेंटाइल बनेगा 80, मतलब 22 में से सिर्फ 5 से 6 क्वेश्चन करेक्ट करने हैं. अटेम्प्ट की बात नहीं कर रहा मैं करेक्ट की बात कर रहा हूँ, मतलब 5 से 6 क्वेश्चन आपके राइट होने चाहिए. 6 to 7 क्वेश्चन आपने करेक्ट किया तो 85 के आसपास का परसेंटाइल बनेगा आपका क्वांट के अंदर. 7 to 8 क्वेश्चन अगर आपने राइट किया तो 90 के आसपास का परसेंटाइल बनेगा. 9 to 10 क्वेश्चन अगर आपने राइट किया तो 95 के आसपास का परसेंटाइल बनेगा. 11 टू 12 क्वेश्चन राइट किया तो भाई 99 प्लस परसेंटाइल. 13 टू 14 क्वेश्चन के आसपास आपका 100% बनने वाला है. सो दिस इज व्हाट द टेंटेटिव अटेम्प्ट, टेंटेटिव क्वेश्चन जो आपको राइट करने हैं वर्सेस परसेंटाइल आपका ये रहेगा. अगेन देर आर 2 फैक्टर्स इन्वॉल्व स्कोर वर्सेस परसेंटाइल को लेकर के. नंबर 1, उस साल का पेपर कितना डिफिकल्ट है. दूसरा, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया कैट एग्जाम को लेकर. ठीक है, बट हाँ, अगर अपने को 95 से 99 के बीच में जाना है, ये रेंज में जाना है, तो भाई एटलीस्ट 10 से 12 क्वेश्चन करेक्ट करके आने हैं. नाउ लेट मी गो बैक, अपने को अगर 12 क्वेश्चन मिनिमम राइट करने हैं, मतलब क्या करना है, सिर्फ ये दो टॉपिक प्रिपेयर करना है, मिनिमम 9 यहाँ पे और 5 यहाँ पे, मतलब 14 क्वेश्चन आने वाले हैं यहाँ से सिर्फ. तो मैंने सिर्फ यही दो टॉपिक पर फोकस किया तो 10 क्वेश्चन भी मैंने राइट किया, 10 प्लस क्वेश्चन, 95 प्लस परसेंटाइल बनने वाला है मेरा, यस और नो. ठीक है, बाकी आप यहाँ पे भी एक एक क्वेश्चन अगर राइट करते हो सो वेल एंड गुड. तो मतलब 12 से 14 क्वेश्चन राइट करना इज नॉट अ बिग डील, प्रोवाइडेड आपने उसको कितने लेवल पे ग्रिल किया उस टॉपिक को. और सबसे पहले तो छोटा छोटा टारगेट बनाओ, 80% के लिए 6 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन राइट करने हैं, तो 22 में से आप पहले टारगेट करो कि हाँ मैं 5 से 8 क्वेश्चन करेक्ट करूंगा. पहला आपका टारगेट ये होना चाहिए. 5 राइट करो, फिर 10 का टारगेट लो, 10 के बाद आपका 10 प्लस का 12, 13, 14 ये टारगेट लो. अदरवाइज इसको और छोटा करना है तो 5 क्वेश्चन राइट करो, फिर 8 क्वेश्चन राइट करो, फिर 12 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन, ऐसा टारगेट बनाओ. ठीक है, जितने लोगों का मैथ्स वीक है, सबसे पहले आपके बेसिक कैलकुलेशन आपके मैनुअल के डैशबोर्ड पे लॉग इन करो, स्पीड मैथ्स परसेंटेज एंड सिंप्लीफिकेशन, यहाँ पे आपको बेसिक कैलकुलेशन सीखने को मिलेगा. तो ये 3 वीडियो देख के खत्म करो, लॉग इन करो आपके डैशबोर्ड पे. दूसरा, कंसेप्ट, हर टॉपिक को लेके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. अगर मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, मतलब सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी होती है, राइट. अगर मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोल रहा हूँ, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका टॉपिक को लेकर जो थियरी पार्ट है वो आपको क्लियर होना चाहिए. ओके, उसके बाद आता है प्रैक्टिस लेवल. तो आपके मैनुअल के बुक में 50 क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट 30 क्वेश्चन जो है इजी टू मॉडरेट है, 30 to 50 क्वेश्चन मॉडरेट टू डिफिकल्ट. इसके साथ साथ मॉक टेस्ट लिखो, टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज, फुल लेंथ मॉक. ठीक है, सो कैट को लेके वी हैव लॉन्च 15 प्लस मॉक. ठीक है, तो हर महीने एक एक मॉक लिखना चालू कर दो अभी से, और लास्ट के जो 2-3 महीना बचेगा वहाँ पे हम मॉक ज़्यादा लिखेंगे. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस सिलेबस. सिलेबस में आपको अरिथमेटिक में ये सारे टॉपिक प्रिपेयर करने अच्छे से, और ये आपका अलजेब्रा का टॉपिक है,
इन दोनों का वेटेज कंबाइंड टुगेदर 14 के आसपास पकड़ लो, 13-14 क्वेश्चंस। फिर आपका आता है ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगो, नंबर सिस्टम एंड मॉडर्न मैथ। तो ये सारे टॉपिक आपको प्रिपेयर करने हैं। डू रिमेंबर क्वांट का सेक्शन पूरा अटेम्प्ट करना बेवकूफ़ी है, पूरा क्वेश्चन कोई अटेम्प्ट नहीं करने वाला और करना भी नहीं है, ठीक है। बट हाँ, जितने भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने वाले वो राइट होने चाहिए। कैट डिमांड एक्यूरेसी, जितना जल्दी समझ लोगे उतना बेटर है। कैट के अंदर मुझे सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैंने जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए वो सारे राइट होने में मेरा इंटरेस्ट है। तो जिस दिन ये आप समझ लोगे आप आराम से अच्छा परसेंटाइल कैट में क्वांट के सेक्शन में आराम से आ जाएगा आपका, ठीक है। तो मैंने वर्बल वाला भी एक वीडियो बनाया हुआ है, काइंडली वॉच माय वर्बल वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मेरा LRDI को लेके रहेगा, उसमें कैसे अपने आप को सेव करना, बिकॉज दैट इज द टफेस्ट सेक्शन ऑफ द कैट, LRDI, ठीक है।